हालचाल सबके, आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपके फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल गेमर नीलू पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फास्ट तरीके से रैंक अप कैसे करें, क्योंकि बहुत से दोस्तों का हमारा शिकायत आ रहा था कि वो अगर प्लेटिनम वन पे है या प्लेटिनम टू पे है, तो अगर जैसे ही वो प्लेटिनम वन पे जाते हैं तो फिर से वो प्लेटिनम टू पे वापस आ जाते हैं, तो वो क्यों होता है? लगातार वो गेम खेलते हैं, सुबह शाम गेम खेलते हैं, फिर भी वो लगातार रैंकिंग का अप नहीं हो पाता। वो क्रोन पर नहीं जा पाते, डायमंड पर नहीं जा पाते, या कोई डायमंड पर है तो एस पर नहीं जा पाते, क्रोन पर नहीं जा पाते, तो वो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी, तो वीडियो को आखिर तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम खुद हैं। जैसे हम जब खेलते हैं तो कोई भी सर्वर हम चूज़ करके नहीं रखते। जैसे हम अगर एशिया पे खेलते हैं तो कभी हम चले गए नॉर्थ अमेरिका, कभी चले गए साउथ अमेरिका, कभी चले गए KRGRP, कभी यूरोप, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप गेम खेलना है और रैंकिंग अप करना है तो आपको एक फ़िक्स सर्वर चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपना आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ कि मैं कैसे हूँ, किस में हूँ, क्या हूँ। तो देखिए यहाँ हम गेम के लॉबी पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सीजन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि मैं किस में हूँ। तो जैसे ही सीजन में मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो सारा चीज़ मेरा दिखा जाएगा। देखिए क्लासिक TBB में डायमंड वन पे हूँ। तो वैसे ही मैं डुओ पे आपको दिखा देता हूँ डुओ पे मैं क्या हूँ। तो डुओ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ बगल में डुओ लिखा है, उस पर मैं गोल्ड 4 पे हूँ। और वैसे ही सोलो है, सोलो पे मैं गोल्ड 5 में हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं स्क्वाड ज़्यादा खेलता हूँ, सोलो और डुओ ज़्यादा नहीं खेलता। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ से कट करके आपको वहाँ प्रोफाइल से भी दिखा देता हूँ, वहाँ से अच्छे से दिखती है। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोफाइल खोल लिया, देखिए प्रोफाइल खुल चुकी है। तो वैसे ही देखिए ऊपर एशिया लिखा है, एशिया सर्वर पे वही सब मैं जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं साउथ अमेरिका करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे अलग है। तो हर सर्वर का अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो ये नहीं सोचिए कि आप कभी भी किसी सर्वर पर खेल लीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको एक फिक्स सर्वर रखना होगा। अगर आप एशिया में खेल रहे हो तो एशिया पर ही खेलो, स्क्वाड खेल रहे हो तो ज़्यादा स्क्वाड ही खेलो, डुओ खेल रहे हो तो डुओ, सोलो खेल रहे हो तो सोलो। और आपको ये TPP और FPP में भी चॉइस करना होगा कि आप क्या खेलना ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे आप TPP ज़्यादा खेलते हो तो TPP ही खेलिए, एक ही सर्वर एक ही चीज़ खेलिए, तो आप उसमें रैंकिंग अप करोगे। और रैंकिंग अप करने का भी बहुत सारा तरीका है फ्रेंड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा रेटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सर्वाइव करना, ना कि किल। तो दोस्तों अगर आप किल के पीछे भागोगे तो आपका शायद उतना नहीं हो पाएगा रेटिंग हाई ज़्यादा जल्दी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसे प्लेस पे उतरना है जहाँ पे कोई नहीं उतरता, जैसे जोर्जो पूल स्कूल वगैरह पे आपको नहीं उतरना है, पोचिंकी पे आपको नहीं जाना है। आपको कोई भी जैसे छोटा सा जगह पे जाना है जहाँ पे आपको दो चार घर मिले, बट आपको लूट से ही मिल जाए। अगर आपको स्क्वाड अच्छा है, आप तगड़े खेलते हो, बहुत अच्छे खेलते हो, तो छोटे मोटे जैसे बड़े जगह में जा सकते हो। थोड़े से बड़े जगह जैसे मेल्टा पावर चले जाइए आप, यासना चले जाइए, वैसे ये सब जगह में चले, क्यूकड़ी में चला जाइए, तो वो सब जगह में आप अच्छे से सर्वाइव भी कर पाओगे और आपको कई सारा लूट भी मिल जाएगी। और अगर आप किल के पीछे भागोगे तो हो सकता है आपको किल मिल जाए, किल रेटिंग मिल जाए, अगर आप जल्दी मर गए तो आपका वो रेटिंग माइनस पे जाएगी ही। तो रेटिंग हमेशा हमें प्लस पे रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें वेट करना है बंदों के मरने का। तो सबसे पहले हमें टॉप 30 तक सर्वाइव करना है, जहाँ जैसे वहाँ पे 30 बंदे अलाइव बचे या 30-40 इस तरह बंदे अलाइव करे तब हमें एक्शन में खेलना है। तो वैसे हम एक्शन पे खेलेंगे तो अगर हम जल्दी भी मर गए तो उससे हमारा रेटिंग कभी भी माइनस नहीं होता, हमारा प्लस पे चला जाता है। तो प्लस पे जाने का मेरा यही एक तरीका है कि हमें सर्वाइव करके खेलना है, ना कि अटैकिंग पोजिशन पर। अगर हम अटैकिंग पोजिशन पर खेलोगे तो हम मान लेता हूँ कभी कभी आप सर्वाइव कर जाओगे, अगर आपको किल मिल गया तो वो भी आपको बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको किल मिला और आप तुरंत मर गए तो उसका भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें किल रेटिंग नहीं होता, इसमें सर्वाइविंग जैसे ज़्यादा रेटिंग मिलती है, किल रेटिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप मेरे द्वारा सुनाई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका रैंकिंग बहुत ही जल्दी फास्ट करेगा आप, और आप जल्दी से क्रोन 5 में भी जा सकते हो। जैसे मैं डायमंड 1 पे हूं, मैं ज़्यादा गेम खेल नहीं पाता इसलिए मैं रैंकिंग अप नहीं कर पा रहा हूं। मेरा ये वीडियो बनाने के चक्कर में मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूं इसलिए मेरा हाई रैंकिंग नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करते रहिए, आपका ज़रूर होगा। आप कोशिश कीजिए कि सर्वाइव करने का, अगर गेम पे जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप जाके मार रहे हो बंदों को, मार रहे हो लूट के चक्कर में मार रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप सर्वाइव करोगे तो आपको रेटिंग मिलेगी, तो इसमें सर्वाइव का सबसे ज़्यादा रेटिंग होता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले आपको एक सर्वर चूज़ कर लेना है कि आपको किस पे खेलना है और लगातार उसी पे खेलिए। TPP तो TPP खेलिए, FPP तो FPP, एशिया पे तो एशिया पे, या फिर साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका, ऐसा आप सब चीज़ फिक्स करके एक ही चीज़ खेलिए और लगातार खेलिए उसी पे। अगर आप बार बार सर्वर चेंज करोगे तो आपका नहीं होगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, आर्केड पे इसका कोई भी गिनती नहीं होता, आर्केड पे कैसा भी खेलिए, इससे आपका रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात कि सर्वाइव करना सीखिए, अगर आप सर्वाइव नहीं करोगे तो आपका रेटिंग बहुत ही जल्दी माइनस होगा।
और आप ऊपर ना जाने की वजह नीचे आ जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।